हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक सेट आया हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो सेट है फ्रेंड, वो रेडमी 6 फ़ोन है। और ये जो मोबाइल है फ्रेंड, इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये फ़ोन कभी चालू होता है या फिर कभी चालू नहीं होता है। चालू तो कंप्लीट वैसे होता ही नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम होता है कि इसको ऑन करते तो कभी MI लोगो आता है और फ़ोन वहीं से रीस्टार्ट हो जाता है, या तो फिर कभी ऑन ही नहीं होता है, सिर्फ ओनली वाइब्रेट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए आज के इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से और किस तरीके की प्रॉब्लम है वो मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये रेडमी 6 फ़ोन है जो कि फिंगरप्रिंट वाला होता है फ़ोन। तो यहाँ पर मैं बैटरी निकाल के एक बार मैं बैटरी यहाँ पर लगा देता हूँ, और जैसे मैंने बैटरी यहाँ पर लगाया तो देख सकते हो यहाँ पर ये MI लोगो यहाँ पर आ चुका है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड आपको मालूम कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर क्या है, उनकी बैटरी आप निकाल के अगर तुरंत ही लगा देते हैं तो ये सेट ऑटोमेटिकली कई बार चालू हो जाता है फ्रेंड। MI के फ़ोनों में बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये MI लोगो यहाँ पे आया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं फ़ोन कंप्लीट ऑन होता है या नहीं होता है। फ्रेंड देख सकते हो फ़ोन यहाँ से रीस्टार्ट हो गया, और यहाँ पे ये सिर्फ ओनली वाइब्रेट हुआ है, मतलब इनके MI लोगो से आगे ये फ़ोन बिल्कुल भी ऑन नहीं हो पाता है। आपने देखा फ्रेंड, यहाँ पे लोगो आया, फिर से ये चला गया लोगो। ठीक है, और भी हम यहाँ से बैटरी एक बार फिर से यहाँ से निकाल देते हैं। निकालने के बाद यहाँ पर फिर से थोड़ा देर वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ से इनके बैटरी को हम लगा देते हैं, और लगाने के बाद यहाँ से एक बार सेट को मैनुअली ऑन करके यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर सेट को मैंने ऑन किया है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेट को ऑन किया तो ये जो फ़ोन है वो सिर्फ ओनली वाइब्रेट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ओनली वाइब्रेट हुआ, सेट में ग्राफिक या डिस्प्ले कुछ भी नहीं आया है। एक बार फिर से बैटरी निकाल देते हैं, बैटरी निकालने के बाद यहाँ पे हम बैटरी को लगा देते हैं, और लगाने के बाद यहाँ से सेट को ऑन करता वाइब्रेट, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से वाइब्रेट हुआ फ़ोन, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ नहीं देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखो इसको सबसे पहले करना क्या है, आपको करना है फ्लैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ये जो मोबाइल है उसको करेंगे फ्लैश। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और इसको एक बार सबसे पहले फ्लैश करेंगे, और फ्लैश करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे है हमारा लैपटॉप स्क्रीन, जैसा कि आप फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से हम इनकी लाइट को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने लाइट को ऑफ कर दिया, यहाँ पे मैंने डिवाइस मैनेजर ऑन किया हुआ था, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, और यहाँ से जो MCT बाईपास टूल होता है उसको सिंपली आपको यहाँ पे पहले ओपन कर लेना है, क्योंकि आपको मालूम है ये जो है वो ऑनलाइन होता है MI रेडमी 6 और 6 से फ़ोन। ठीक है, तो उसको ऑथ जो होता है उनका बाईपास करना होता है, तो उनके लिए सबसे पहले MCT ऑथ बाईपास ये टूल होता है, उसको आपको सिंपली ले लेना है। यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ से SV फ्लैश टूल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो SV फ्लैश टूल को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, ये हमारा SV फ्लैश टूल यहाँ पे ओपन हो रहा है फ्रेंड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 6A का फाइल चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम रेडमी 6 का जो है वो फाइल लेंगे। तो ये फ़ोन रेडमी 6 है हमारा, तो हम यहाँ पे रेडमी 6 का फाइल ले लेते हैं। तो हम चलते, ये जो फाइल है हमारा वो डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, तो रेडमी 6 का फाइल यहाँ से हम ले लेते हैं। ये है हमारा रेडमी 6 का फाइल। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा रेडमी 6 का फाइल है, तो उसके लिए सिंपली ये हो चुका है हमारा टूल यहाँ से ओपन, और यहाँ से ये MCT बाईपास टूल भी हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, इसके लिए सिंपली यहाँ पे बाईपास पे हम क्लिक करते हैं, और बाईपास पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकी जो वॉल्यूम अपर वॉल्यूम डाउन बटन होता है, इसको यहाँ से एक बार हम प्रेस करके यहाँ पर डाटा केबल इसके अंदर लगा देते हैं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर हम डाटा केबल को लगा देते हैं, तो फ्रेंड देख सकते हो जैसे मैंने डाटा केबल लगाया तो ये इनकी जो ऑथ है वो बाईपास हो चुकी है, और इसको हम यहाँ पे अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं, और यहाँ से सिंपली हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इनको फ्लैशिंग पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड जैसे मैंने इसको फ्लैश करने की यहाँ पे कोशिश किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड द स्टोरेज इन डिवाइस इज रीच्ड एंड ऑफ लाइफ, प्लीज़ चेंज यूज़ डिवाइस टू ऑपरेशन। यहाँ पे फ्रेंड ये कह रहा है, ये इनकी जो EMMC है, जो इनकी जो सॉफ्टवेयर की IC होती है, जो हमारा EMCP भी होता है, वो डैमेज हो चुका है फ्रेंड। यहाँ पे मैसेज देख सकते हो, यहाँ पे ये लिख रहा है इनकी जो लाइफ है वो बैड हो चुकी है, या बैड हेल्थ में ये चला गया होगा, 90% कंज्यूम। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी जो EMMC की लाइफ है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, और इसी के वजह से ये जो फ़ोन है वो कभी MI लोगो आता है, कभी ओनली वाइब्रेट होता है, और ये फ्लैशिंग तो होगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये और
ऑलरेडी जो बता रहे हैं इनकी लाइफ एंड हो गई है, तो ये फ्लैशिंग नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो इसकी EMMC से प्रॉब्लम है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड आज का ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखें। आज के इस वीडियो के अंदर इनकी जो EMMC IC है उसको हम लोग चेंज करेंगे, और किस तरीके से चेंज करते हैं फ्रेंड वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से लाइट जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं लाइट जो है वो थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने लाइट जो है वो जला दिया है, और उसके बाद यहाँ से इनका जो सारा स्क्रू है वो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हमारा केन है इसको भी यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो है वो हमारी EMMC जो लगी हुई है वो माइक्रोन की EMMC लगी हुई है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, किसी भी फ़ोन के अंदर अगर माइक्रो जो है ये EMMC लगी हुई है तो फ्रेंड ये ज़्यादातर 99% ये जो EMMC है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम जैसा कि इसके अंदर आ रहा था, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये जो EMMC है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाए। वैसे ये जो M लिखा हुआ है ना, ये माइक्रोन की EMMC बहुत ख़त्म EMMC IC होता है, जो कि आप अगर हिट भी करते हो ना तो ये ख़राब हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और ये EMMC अगर आपको दिखी या कहीं पर भी, तो आप सीधा जान लेना कि ये EMMC की ही प्रॉब्लम है, जिस तरीके की अभी फ़ोन की कंडीशन है फ्रेंड, ठीक है। ये नहीं कि प्रॉब्लम दूसरा हो और EMMC आपने निकाल दिया फ्रेंड, ठीक है, वैसा नहीं करना है आपको। पहले प्रॉब्लम को समझना है, और अगर आपको लग रहा है कि सॉफ्टवेयर का कोई इशू है फ़ोन के अंदर, उसके बाद ये EMMC लगी हुई है, तो फ्लैश करके आप ज़रूर चेक करना, उसके बाद नहीं होता है तो आप समझ जाना ये जो EMMC है वो डैमेज हो गया। क्योंकि फ्रेंड अभी अगर ये EMMC को हम बाहर निकालते हैं तो इसका जो सिक्योरिटी बैकअप फाइल होता है वो भी हम नहीं ले पाएंगे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो EMMC है वो बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का है फ्रेंड, ठीक है। इसको जैसे ही निकालेंगे ये डेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपका जो मेहनत है इसकी जो सिक्योरिटी बैकअप है उसको आप नहीं ले पाओगे, ठीक है फ्रेंड। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे, सेट को चालू भी करेंगे, और इसका जो IMEI नंबर रिपेयर कैसे होता है वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो इसका ये इजिली इसका जो IMEI नंबर भी रिपेयर हो जाता है, जो कि इसके अंदर हम लोग रिवोल्ट करते हैं, जो इसके नेटवर्क सेक्शन पर IMEI नंबर लिखा हुआ फ्रेंड यहाँ पे, वही नंबर जो इसके अंदर इजिली हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिक्योरिटी बैकअप फाइल की कोई भी जरूरत नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो खैर चलो फटाफट इसकी EMMC को निकालते हैं और इसके अंदर दूसरी कंफर्टेबल EMMC लगा के हम देख लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इसकी EMMC को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, ये इसकी EMMC है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो इसको एक बार हम आपको UEFI बॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई करके भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो हम अभी चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन को, फ्रेंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ़ोन सही कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड आप यहाँ से मैं लाइट को थोड़ा सा ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइट को ऑफ़ करने के बाद यहाँ से फ्रेंड ये एरर का मैसेज देखने को मिला था, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ करके यहाँ से अपना जो UEFI का जो EMMC टूल बॉक्स होता है, सिंपली पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। और जो मैंने EMMC इसके अंदर से निकाला है वो इनकी जो EMMC निकली है, इनकी जो बॉल है वो पूरी तरीके से परफेक्ट निकली हुई है, ठीक है। तो ये EMMC को एक बार UEFI बॉक्स के अंदर डाल के आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं क्या ये सक्सेस है या पूरी तरीके से डेड हो गई है फ्रेंड, जैसा कि मैंने को वीडियो में कहा है, ठीक है। तो खैर चलो पहले यहाँ पे UEFI बॉक्स को ऑन होने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे UEFI बॉक्स ऑन हो चुका है, और यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद इसकी जो EMMC जो है पहले जो मैंने निकाला है इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा पहले क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने इसको क्लीन यहाँ पे कर दिया है, और करने के बाद यहाँ पे हम इनके जो है UEFI बॉक्स के अंदर इसको एक बार लगा के देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसको क्लीन कर दिया है, ये है हमारा माइक्रोन की EMMC जो कि मैंने अभी निकाला है फ़ोन के अंदर से, ठीक है। अभी हम इसको UEFI बॉक्स के अंदर यहाँ पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद एक बार ये जो है EMMC को एक बार आइडेंटिफाई करके यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आइडेंटिफाई EMMC पे क्लिक करते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो EMMC है वो पूरी तरीके से डेड हो गया। फ्रेंड मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके अंदर से जो सिक्योरिटी बैकअप फाइल होता है वो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड ये जो EMMC है वो बहुत मतलब बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की EMMC है। जब भी इसको आप निकालोगे तो थोड़ा ध्यान से निकालना, अपने रिस्क पर निकालना, अगर सेट चालू हो तो ठीक है, अगर डेड हो या फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम चली जाएगा ये EMMC पूरी तरीके से डैमेज है फ्रेंड। ठीक है, तो चलो इसको हम यहाँ से पहले बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी डेड EMMC है और यहाँ पे एक EMMC है मेरे पास। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास ये दूसरी EMMC है जो कि हमारे पास है SK Hynix की EMMC है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये जो EMMC है वो पूरी तरीके से डैमेज है, जो कि मैंने आपको कहा। तो ये EMMC को एक बार अपने जो है वो UFI बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम लगा लेते हैं, और लगाने के बाद यहाँ पे जो है एक बार हम फिर से इसको आइडेंटिफाई पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई EMMC पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे ये जो EMMC है वो आइडेंटिफाई हो चुका है, और ये फ्रेंड SK Hynix की EMMC है, और ये जो EMMC है वो पूरी तरीके से ब्लैंक EMMC है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको सिंपली जो है अभी प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लैंक है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको फैक्ट्री इमेज के अंदर आना होगा, और यहाँ पे जो वो MediaTek प्रोसेसर रहते हैं, यहाँ पे MediaTek को हम ले लेते हैं, और उसके बाद आपने जहाँ पर भी Redmi 6 का फाइल रखा होगा उनको आपको यहाँ पर लेके इसको यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पे डायपम ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा Redmi 6 का ये फाइल आ चुका है, और ये जो मेरे पास EMMC है वो कंफर्टेबल EMMC है मेरे पास फ्रेंड। ठीक है, जो कि मैंने इसके अंदर अभी फ़िलहाल लगाया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जो क्लॉक है उसको हम 24 मेगाहर्ट्ज़ कर देते हैं, और सिंपली यहाँ पर हम इसको राइट कर देते हैं, मतलब इनको जो है हम सीधा डायरेक्टली फ्लैश पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये EMMC है वो यहाँ पे फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो EMMC है वो पूरी तरीके से ब्लैंक EMMC है मेरे पास, और जो इसके अंदर माइक्रो की EMMC लगी हुई थी वो पूरी तरीके से डैमेज EMMC थी। तो फ्रेंड यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये जो EMMC है वो पूरी तरीके से फ्लैश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि ये जो EMMC है वो पूरी तरीके से फ्लैश हो गया है। तो यहाँ पे एक बार जो है वो आइडेंटिफाई EMMC पे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैंने इसकी EMMC को जो मैंने फ्लैश कर दिया यहाँ पे, अभी हमको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे इसको काट देते हैं, और काटने के बाद यहाँ पर इसकी जो EMMC मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है इसको अभी हम सिंपली जो अपने फ़ोन के अंदर लगाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इसको अभी हम इसके अंदर जो है वो फिक्स करेंगे फ्रेंड। तो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है हम अपने EMMC को बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे निकालने के बाद फ्रेंड ये EMMC को अभी फ़ोन के अंदर हम फ्रेंड लगाने वाले हैं, तो इसके लिए सिंपली थोड़ा सा जो पेस्ट है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे जो है इसकी EMMC IC को जो मैंने इसके अंदर लगा दिया है, जैसा कि यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर सही तरीके से ये बैठ गया हुआ EMMC, और अभी इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे एक फ़ोन को हम लगा के एक बार पहले ऑन करके यहाँ पे चेक फ्रेंड कर लेते हैं क्या ये सेट चालू होता है या नहीं होता फ्रेंड। ठीक है, तो एक बार इसको हम यहाँ पे इस तरीके से पैक कर देते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक बार सेट को हम ऑन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने सेट को यहाँ पे ऑन करने की कोशिश की तो, बट यहाँ पे जो सेट है वो यहाँ पे ऑन नहीं हो पा रहा है, तो एक बार इसको हम पहले चार्जिंग पे लगा के यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड इसको हम जैसे ही चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो ये जो फ़ोन है वो पोर्ट शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लैश करना पड़ेगा। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, स्क्रीन ऊपर सही कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं बाहर, और
बाहर निकालने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको क्लियर दिखा, यहाँ से हम लाइट को ऑफ कर देते हैं फ्रेंड, कि आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे जो MS जो बाईपास टूल है सिंपली उसको भी एक बार आपको ओपन कर लेना है, और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर फ्लैश करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जो टूल है इसको यहाँ से हम सिंपली पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ही हमारा ये ओपन हो चुका है, और यहाँ से SP फ्लैश टूल जहाँ पे मैंने फाइल रखा हुआ था ये भी टूल को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से सिंपली आपको बाईपास पे क्लिक कर देना है, और बाईपास पे क्लिक करने के बाद ये फ़ोन का वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन को यहाँ पे प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रेस करके डाटा के वॉल्यूम यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से जो ऑथ हमारा बाईपास हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड जो है आपको दे देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे डाउनलोड देने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर के लिए कुछ फ्लैशिंग चलेगा, और बीच में जो है कुछ एरर देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लिखा के आ चुका है, यहाँ पे जो फ्रेंड लिखा हुआ आ रहा है हमारा, वो जो हमारा देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाइड बूट एनेबल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी हम डाटा केबल को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, फ़ोन का यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकालने के बाद यहाँ से बैटरी को निकाल देते हैं, और बैटरी निकालने के बाद एक बार यहाँ से सेट को हम चालू करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने सेट को यहाँ पे चालू किया, तो यहाँ पे जो सेट है वो फ़िलहाल यहाँ पे चालू हो चुका है फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे आप सेट। तो फ्रेंड अभी इसको चालू होने में समय लगेगा कुछ ज़्यादा ही, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं, क्योंकि उसको ऑन होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसको जो है वो फ्लैशिंग भी हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आपने देखा फ्रेंड ये इसको मैंने EMMC को UFI बॉक्स के अंदर ही फ्लैश कर दिया था, बट वहाँ पे फ्लैश होने के बाद सेट ऑन नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद SP फ्लैश टूल से आपको फ्लैश करना, और कास्ट फाइल लेने के बाद आपको जो है कुछ एरर देखने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको, सिंपली सेट को ऑन करना और सेट जो है आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सिंपली फ्रेंड यहाँ पे सेट जो देख सकते हो यहाँ पे सारी पूरी तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से हम पहले इनका लाइट जला देते हैं, और यहाँ पे लाइट जलाने के बाद ये हमारा मदरबोर्ड जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ इसके अंदर IMEI नंबर होगा नहीं फ्रेंड। ठीक है, तो इनका जो IMEI नंबर है वो यहाँ पे रिपेयर करना होगा फ्रेंड। तो रिपेयर के लिए मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो कि IMEI नंबर को किस तरीके से रिपेयर करना फ्रेंड। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये इनकी पहली वाली है माइक्रोन की SD कार्ड है, और सॉरी EMMC, और इसके अंदर मैंने जो वो SK हाइनिक्स का लगाया हुआ फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको क्लीन जो सारी चीज़ें आपने देख लिया। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।